यूएन में कश्मीर का राग अलापना मलेशिया के प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद को भारी पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने मलेशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को कम करने का निर्णय लिया है और इस पर अमल भी कर रहा है। हालांकि मलेशिया का सरदर्द सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भारत से मिले झटके के बाद अब महातीर मोहम्मद को अमेरिका चीन के बीच चल रहे ट्रेड वार के कारण भी आर्थिक प्रतिबंधों का डर सता रहा है और ये हम नहीं बल्कि खुद महातीर मोहम्मद कह रहे हैं। दरअसल मलेशिया के प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने सोमवार को कहा कि मलेशिया, जिसकी अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर है, वो आने वाले दिनों में ट्रेड वार के चलते व्यापार प्रतिबंधों की मार झेल सकता है। हालांकि इस दौरान महातीर ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश पर संभावित प्रतिबंधों के स्रोत का उल्लेख नहीं किया, परंतु वो इससे काफी निराश थे कि कभी फ्री ट्रेड के प्रस्तावक रहे देश अब स्वयं बड़े स्तर पर प्रतिबंधात्मक व्यापार में लिप्त हैं। जी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर पर चिंता व्यक्त करते हुए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एक कॉन्फ्रेंस में महातीर मोहम्मद ने कहा, दुर्भाग्यवश हम मंझधार में फंस गए हैं। आर्थिक रूप से हम दोनों बाजारों से जुड़े हैं और फिजिकली हम भौगोलिक कारणों के बीच में फंस गए हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़े। मलेशिया की ये चिंता जायज भी है, क्योंकि सिंगापुर के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन मलेशिया के शीर्ष निर्यातकों में से एक है। इन दोनों देशों के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के कारण मलेशिया की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। मलेशिया के इन दोनों देशों में कुल निर्यात पर नजर डालें तो आप ही समझ जाएंगे कि महातीर को ये चिंता क्यों खाई जा रही है। दरअसल मलेशिया का सिंगापुर में निर्यात 34.4 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि मलेशिया के कुल निर्यात का 13.9% है। चीन में मलेशिया का निर्यात सिंगापुर के लगभग आसपास ही है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में मलेशिया का निर्यात 22.5 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि मलेशिया के कुल निर्यात का 9.1% है। अब चीन अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक युद्ध के कारण मलेशिया का आर्थिक संकट और गहरा सकता है, जिसका आभास मलेशिया को है। और इन दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए महातीर अपने पड़ोसी देशों का सहयोग भी ले रहे हैं, परंतु उनके प्रयास सफल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारत में मलेशिया का कुल निर्यात देखे तो ये 9 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि मलेशिया के कुल निर्यात का 3.6% है। अब भारत मलेशिया से आयात होने वाले सामान पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। उस समय तो महातीर ने इशारों ही इशारों में यह कहा था कि अगर भारत कोई एक्शन लेता है तो वो भी पलटकर एक्शन लेने से नहीं घबराएंगे, परंतु जल्द ही महातीर होश में आ गए और वो कूटनीति का सहारा लेने की बात करने लगे। हालांकि भारत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, जिससे महातीर की हताशा और बढ़ती जा रही है। वैसे ये चिंता यूं ही नहीं है, दरअसल मलेशिया का पाम ऑयल उसके कृषि क्षेत्र का मुख्य आधार है। पिछले साल मलेशिया के कुल घरेलू उत्पादन में खाद्य तेल का योगदान 2.8% रहा था, जो कि कुल निर्यात का 4.5% था। यूरोपीय संघ पहले ही पाम ऑयल के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। दरअसल यूरोपीय संघों ने वनों की कटाई पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए इस वर्ष की शुरुआत में एक अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत 2030 तक जैव ईंधन में पाम ऑयल का उपयोग खत्म करने की बात कही गई थी। इंडोनेशिया के बाद मलेशिया पाम ऑयल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। मलेशिया और भारत के रिश्ते वैसे तो अच्छे ही रहे हैं, यह हमें जनवरी में देखने को भी मिला था, जब भारत ने आरवीडी और पाम ऑयल पर प्रभावी इंपोर्ट ड्यूटी 59.40% और 48.40% के स्तर से घटाकर क्रमशः 49.50% और 44% कर दिया था। परंतु मलेशिया के प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने पिछले महीने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद से ही नई दिल्ली में मलेशिया को लेकर गुस्सा देखने को मिला। भारत ने पहले इंपोर्ट ड्यूटी पर शुल्क बढ़ाया, फिर भारतीय व्यापारियों ने भी अगले महीने के लिए होने वाले पाम ऑयल आयात के सौदों को रोक दिया और अब भारत मलेशिया के बजाय इंडोनेशिया को महत्व दे रहा है। अब मलेशिया के मीडिया ने भी महातीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, यानी मलेशिया की मीडिया भी महातीर के भारत विरोधी सुर को लेकर महातीर सरकार पर हमलावर हो गई है। यही कारण है कि महातीर मोहम्मद के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं।
स्पष्ट है, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने हर तरफ से अपने देश की परेशानी को बढ़ाने का ही काम किया है और अब वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा कर पाने में कितने सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, परंतु उन्हें अगर भारत से कोई उम्मीद है तो उनके लिए यही अच्छा होगा कि वो कश्मीर मुद्दे पर पाक के एजेंडा को बढ़ावा देना बंद करें और अपने देश हित के बारे में सोचना शुरू करें।